सीमांचल की किसानी करवट बदल रही है। डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में किसानों ने कदम बढ़ा दिया है। एग्री अमिष्ठा के तहत युवा किसान जुड़ रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई विश्वविद्यालयों के युवा यहां पर अब अलग अलग खेती पर ध्यान दे रहे हैं। दलहन, तिलहन, जूट, केला, मक्का के बाद किसानों में अब ड्रैगन फ्रूट और मखाना की खेती का क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा है। मखाना बिहार का मूल फसल है। भारत के कुल मखाना उत्पादन का 45 से 90% बिहार राज्य में ही होता है। बिहार राज्य के जलजमाव से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि में मखाना की महत्व काफ़ी ज़्यादा है। बागवानी विभाग के सर्वे के अनुसार पूर्णिया जिले में 10,000 एकड़ भूमि में मखाना की खेती हो रही है। इधर ड्रैगन फ्रूट को लेकर क्लस्टर बनाए गए हैं। रुपौली में क्लस्टर बन चुका है, बनमनखी में क्लस्टर बन रहा है। ड्रैगन फ्रूट के विस्तार को लेकर कृषि महाविद्यालय में अब अनुसंधान भी शुरू कर दी गई है। बता दें, ड्रैगन फ्रूट की खेती 75 किसान द्वारा किया जा रहा है। इसमें बीटेक उत्तीर्ण युवा भी है। लाखों की कमाई युवाओं को लुभा रही है। यही तरीका है कि मखाना की खेती के बाद अब ड्रैगन फ्रूट की खेती से लाखों की कमाई हो सकती है। पूर्णिया जिले में 5,000 से अधिक किसान मखाना की खेती में जुटे हैं। समय बदला तो खेती का तौर तरीका भी बदल रहा है। अब ड्रोन से खेतों में सिंचाई और दवा छिड़काव हो रहा है। हवाई जहाज से प्लांट आ रहा है। पूर्णिया में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसान हैदराबाद से ड्रैगन फ्रूट का प्लांट मंगवाते हैं। ड्रैगन फ्रूट की करीब 150 किस्म होती है। दमैली, हैदराबाद से प्लांट मंगवाते हैं। किसानों को 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान भी मिलता है। बता दें कि शुरू से ही 80 से 20 के फॉर्मूले के तहत डाइवर्सिफिकेशन की बात किसानों ने साझा की गई। उनके अनुसार ड्रैगन फ्रूट और मखाना किसानों की तकदीर बदल सकती है। किसानों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार किया गया है, जिसके जरिए उन्हें हर चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।